कहते हैं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी थी तो मैं वो लाइन में काम करती, मुझे लगा लाइन अच्छा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा लाइन अच्छा था लेकिन वहाँ का इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं था। देन मुझे उसमें पहली हूँ जो मैं पहली ट्रांस हूँ शायद मैं जो खान सर के पास पढ़ाई कर रही हूँ। खान सर के पास पढ़ाई कर रहे हैं? यस। कब से कर रहे हैं? 2 months हो गया, 2.5 months होने जा रहा है। तो मतलब मॉडल की शो मतलब टॉपर रह चुकी हूँ बंगाल की, मिस ट्रांस वुमेन बंगाल की 2023 की, तो 1000 लड़कियों में मैं ही मतलब फर्स्ट हुई थी। हाँ, क्या गया है सर ने मुझे बोले, मतलब मुझे वहाँ से ऑफर भी मिला मिली है कि जो पढ़ना चाहे तुम्हारी तरह तो वो उसको आप एक्सेप्ट कर। हाँ सर बोले। हाँ अजीत भैया मुझे बोले कि अगर तुम्हारी तरह कोई और भी अगर हो तो ला सकते हो। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है लेकिन यह किन्नर है और इसका कहानी जब आप सुनेंगे ना बहुत प्रेरित होंगे, अच्छा लगेगा। देखिए यह पहले ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, बंगाल से है और अभी जो है खान सर के पास पढ़ाई करती है। मतलब भाई पहले डांस करती थी अभी पढ़ाई कर रही है, किन्नर है और इनको IAS बनना है, क्या बनना है, चलिए इनसे बात करेंगे। पहले तो आपका जोश तक न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा कहाँ जा रहे हैं अभी? मेरे एग्जाम है बंगाल, देन मैं बंगाल जा रही हूँ अभी। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते थे पहले? अच्छा आपका शुभ नेम क्या है? सैंडी वाल्मीकि। सैंडी वाल्मीकि। आप हैं कौन? I'm a transgender. Transgender. ये आपको कब पता चला? जब मैं 6 साल की थी तभी पता चला मुझे। मतलब मैं पैदा तो बचपन जब हुई थी तब मतलब मैं रोई तो मैं फैमिली वाले हंसने लगे क्योंकि घर में एक बंग्स भरा। लेकिन जब मैं बड़ी होती गई तब मुझे मतलब 4 साल की हुई तो मैं मेल की तरफ अट्रैक्शन होने लगी। फीमेल मुझे मतलब फीमेल फ्रेंड थी लेकिन मेल मुझे पसंद मतलब क्रश करती थी। जो फीलिंग है आपको मेल को करती थी। देन वहां पे मैं उसके बाद मुझे पता चला क्या है मैं चेंज। हाँ। तो आपका घर कहाँ है? बंगाल। बंगाल। सुने कि आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह में भी काम? हाँ मैं पहले ऑर्केस्ट्रा वगैरह में काम करती थी, वो मेरी मजबूरी थी ऑर्केस्ट्रा में काम करना क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में जब मैं जब काम करती थी तब वो मतलब मजबूरी मेरी यही थी कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं जब मैं ग्रेजुएशन जब पास कर चुकी थी, HS पास कर ली थी, मैं ग्रेजुएशन लेवल में थी उस टाइम, अप्लाइंग टू द ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैं जॉब के लिए अप्लाई की थी। देन मुझे रिजेक्ट किया गया था जॉब के लिए क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर की वजह से, क्योंकि मैं मेल या फीमेल में दोनों में किसी में गिनती नहीं पड़ी थी। देन मुझे रिजेक्ट किया गया। अच्छा जब घर में पता चला तो घर वाले मम्मी पापा का क्या रिएक्शन? एक्चुअली मेरे पापा बचपन में डेट हो चुके हैं, पापा नहीं है मेरे, मम्मी। तो ऑब्वियसली जब घर में सबको पता रहता है तो चलता है तो बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हाँ क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनका औलाद मतलब ट्रांस हो। मतलब ये लीगलिटी है कि मतलब उन लोगों को पता नहीं चलता है कि मतलब हम लोग का अंदर का हार्मोन्स प्रॉब्लम है, हम लोग इस शरीर में खुश नहीं, हम लोग अपना शरीर को चेंज करना चाहते हैं लेकिन वो फैमिली को पता नहीं चलता है। देन जब वो मतलब पता चलता है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपको पता है आप एक पहली ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं, पहली है ऐसा जो सोशल मीडिया बहुत सुर्खियों में है, सब कोई आपको सुनना देखना पसंद करता है, आपकी बातों को सुनना चाहता है। हाँ ये पता है। क्यों, आपने ऐसा क्या खास है? और भी काफी सारे लोग हैं उनका इंटरव्यू नहीं करते लेकिन आपको फोन करके लोग इंटरव्यू। हाँ ये बात तो है लेकिन मैं सबकी मोटिवेशन चेंज कर रही हूँ और आई होप मैं पहली हूँ जो मैं पहली ट्रांस हूँ शायद मैं जो खान सर के पास पढ़ाई कर रही हूँ। खान सर के पास पढ़ाई कर रही है? यस। कब से कर रहे हैं? 2 months हो गया, 2.5 months होने जा रहा है। तो रहमान। हाँ ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे अचानक पढ़ाई करने लगे, क्या मतलब क्या चला दिमाग में? ऑर्केस्ट्रा जब मैं करती थी तब मुझे फीलिंग ऐसा होता था कि मतलब ऑर्केस्ट्रा लाइन बहुत मतलब ऑर्केस्ट्रा खराब नहीं है लेकिन वहाँ के इंसान खराब थे। हाँ क्या मन में चला कि पढ़ाई करेंगे? मन में यही चला कि मतलब जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी तो मतलब वहाँ पे ना मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, देन हमेशा छक्का लौंडा ही जैसे सुनने को मिलता था, बहुत खराब लगता होगा। बहुत। फिर उसके बाद इसमें तो आपका कोई गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं थी लेकिन समाज नाम दे के रखे थे मेरे। तो फिर उसके बाद मुझे और भी गिल्ट फील होने लगा कि जब मैं वहाँ नाच करती थी तब मतलब बहुत बिहेव खराब करते थे हर कोई, जैसे कि कोई सीने में पैसा देते थे तो फिर कोई बोलते थे कि मतलब साइड पे चलो या वगैरह वगैरह। पढ़ाई करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि काफी सारे किन्नर देखते होंगे रोड पे किस तरह से ड्रामा करते हैं वो काफी खराब लगता है। देखिए अब बहुत सारा काम है, काम भी कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, क्या गलत है? दुकान भी खोल सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं लेकिन बहुत खराब लगता है। लेकिन आपके दिमाग में क्या चला कि आपने खान सर के पास पढ़ाई करा, सबसे आगे वाला बेंच पे बैठते हैं? हाँ मैं सबसे फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ, बात सच है, लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली खान सर मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा कोई फीस वगैरह नहीं है। किताब वगैरह भी मुझे फ्री में मिलते हैं सब कुछ। तो
मेरा पढ़ाई का मोटिवेशन वहाँ से ही जगा, क्योंकि मुझे इज्जत नहीं मिल रही थी। और मेन बात है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी थी तो मैं वो लाइन में काम करती, मुझे लगा लाइन अच्छा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा लाइन अच्छा था लेकिन वहाँ का इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं था। देन मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि नहीं, कलम का ताकत से बड़ी ताकत है। क्या बनना है? एक्चुअली मुझे तो मेन IAS ऑफिसर ही बनना है, लेकिन फिलहाल रियली मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है, लेकिन अभी मैं BPSC खान सर से जब मिले, खान सर को बोले कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मुझे पढ़ाई करना है, पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी और अभी जो है पढ़ाई करके IAS बनना है, तो खान सर क्या बोले? एक्चुअली जब मैं बंगाल से जब यहाँ चल के आई पटना में पढ़ने के लिए, तो मुझे मोटिवेशन मेरे फैमिली वाले से भी मिला है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे मतलब ये किया है कि खान सर के पास तुम्हें कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लोको पायलट और पत्रकार और लॉयर की तैयारी करने की कोशिश की थी, मत मुझे रिजेक्ट किया गया था वहाँ से भी, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर की वजह से, मेरा ट्रांसजेंडर की वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया था। तो देन मेरी सिस्टर ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं जब यहाँ पर आई तो मेरी जो खास फ्रेंड मेरा जो है वही बात किए थे, और खान सर से डायरेक्टली बात नहीं हुई थी, वो खान सर तो ऑफिस में रहते, उनके जो मैनेजर है अजीत भैया उनसे बात हुई थी। तो उनको सब बात बताया गया कि एक लड़की है वो पढ़ना चाहती है, देन वो पूछे कौन लड़की है, तो मैं बाहर खड़ी थी, फिर मुझे वो तब मैंने उनको अपने जो मैं फ्रेंड थे उनको मैं बता दी कि ओरिजिनल बात ही बता देना, छुपाने का नहीं, गलत नहीं बोलना है। हाँ, तो वो ओरिजिनल बता दी कि वो किन्नर है तो वो पढ़ना चाहती आ गए, तब वो बोले कि इसको बुलाओ अंदर, मैं अंदर गई तो मुझे डर लगा कि मुझे यहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन फिर वो अजीत भैया मुझे बोले कि 2 मिनट रुको मैं सर से बात करके आता हूँ, देन वो बात करने गए, देन सिलेक्ट हो गई मैं। अच्छा, जो समाज आपको अपमानित करते थे, किन्नर छक्का वगैरह बोल के आपको अपमानित करते थे, खान सर के पास गए तो कितना सम्मान है? एक्चुअली जो मुझे इंसल्ट करते थे आज वो सब मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। देन बहुत कोई है मतलब, जैसे मैं भी ट्रेन में जाती हूँ तो बहुत कोई मुझे देख के पहचान जाता है कि हाँ, तो लेकिन बहुत कोई मुझे ये भी बोलते हैं कि तुम आप ऐसे घूम रही हो जा रही हो यहाँ पर ही, फिर आप मतलब होता है ना कि मतलब ट्रेन में सीट लेने के लिए बैठना जगह करना पड़ता है, मैं झगड़ा भी करती हूँ, तो मुझे वो लोग बोलते हैं आप इतने मतलब सोशल मीडिया पे आप भी पॉपुलरिटी में हो फिर भी आप ऐसा झगड़ा करती हो, आपका तो आपको क्या मतलब ये मिलेगा। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, वो सबको भी मैं यही बात ही बोलना चाहूंगी कि जैसा देश है वैसा मेरा भेष है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर अगर अपने असलियत में ना आऊँ तो मुझे रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा, वो मेरा अधिकार है, मुझे लेना पड़ता है। और जरा ही बात मैं पढ़ाई की, तो मैं पढ़ाई करने में मुझे पढ़ाई में पूरा फोकस रहती है मेरी, तो मुझे उस टाइम कोई पैसा नहीं पड़ेगा मैं सेंड हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले जब मैं अभी रिटर्न आ रही थी तब मुझे एक बंदे ने पूछे थे कि आप ही हो, तो फिर आपको देख के लग रहा नहीं, आपका बिहेवियर देखे क्या हुआ आप ही हो, आप मीडिया के सामने इतना मतलब सुंदरता में मतलब लगता है कि आप शिक्षित हो, लेकिन आपको अभी मुझे मतलब हकीकत देख के लग रहा है। तो मैं उसको यही बोली कि जैसा देश है वैसा भेष, क्योंकि मैं यहाँ अभी चुपचाप जाऊंगी तो मुझे कोई बैठा कर कोई लेके जाने वाला नहीं, क्योंकि मैं सबके नजर में वही छक्का वही लौंडा वही हिजड़ा ही हूँ। ये जो मानसिकता के लोग होते हैं, आपको नहीं लगता ये बहुत गलत है? इंसान का एडुकेटेड पढ़ रहा है, इंसान बढ़ रहा है, लेकिन इंसान का सोच नहीं बदल रहा है। मुझे विश्वास है कि सोच और भी आगे मतलब अभी बहुत कम सोच हो चुके हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि और भी आगे आपके जैसे लोग आगे आएंगे तो जरूर बढ़ेंगे। और रही बात हमारी तरह जो किन्नर लोग आप अभी थोड़ी देर पहले जो बोले हरकत करती है, वो अधिकार है करना, क्योंकि इंसानी अच्छा नहीं है। कुछ लोग सही करते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, जाए किसी से खुशी से मांगे खुशी से लोग देते हैं, हम भी देते हैं आपको, राइट बताते हैं, कहीं भी ट्रेन में कहीं जाते हैं हम देते हैं, उसके बोलने से पहले देते हैं आपको, सच्चा बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इनको बिजनेस बना लिए हैं और इसका बिजनेस करते हैं और परेशान करते हैं लोगों को, इस पे आपका क्या कहना है? उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं वो कभी की नहीं हूँ, मुझे आज तक पता नहीं है सब, और मैं सिर्फ पढ़ाई और ऑर्केस्ट्रा में गई थी, मुझे इतना ही पता है। और मेरी जो गुरु लोग हैं मुझे आज तक कभी ये सब करने दी भी नहीं है वो लोग, मुझे हमेशा इसके पहले मैं मॉडलिंग शो भी करती थी, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो जब मैं आपके अंदर तो बहुत सारे टैलेंट है। हाँ, मैं शो मतलब मॉडल की शो मतलब टॉपर रह चुकी हूँ बंगाल की, मिस चांस हूँ मैं बंगाल की 2023 की, तो 1000 लड़कियों में मैं ही मतलब फर्स्ट हुई थी। हाँ, तो मैं वो सभी काम की हूँ। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, वहाँ से मेरी फैमिली आई है, मेरी मम्मी आई है, मुझे बहुत खुश है। मैं वहाँ से मम्मी लोग के साथ अपने घर जाऊँगी। आपके समाज से जो लोग देख रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? मेरी समाज से जो लोग देख रहे हैं सबको मैं तहदिल से सलाम है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ समाज हम लोग को अधिकार दे रहा है, आप लोग भी अधिकार मतलब बटोरे, और जो आपका संग बुरा बरता आपको उसके साथ बुरा करिए, जो ना करे उसके साथ मत किया कीजिए,
क्योंकि ऐसा है कि हम लोग का भी बदनामी होता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज मोटिवेट होइए और जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो आगे। और ऑफर भी दिया गया है सर ने, मुझे बोले मतलब मुझे वहां से ऑफर भी मिला मिली है कि जो पढ़ना चाहे तुम्हारी तरह तो वो उसको आप एक्सेप्ट कर। हाँ सर बोले। हाँ अजीत भैया मुझे बोले कि अगर तुम्हारा तरह कोई और भी अगर हो तो ला सकते हो। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा कोई भी फॉर्म वगैरह बनते हैं भरते हैं गवर्नमेंट या कहीं भी, तो ये सब में क्या सब परेशानी आती है? पहले तो कॉलम नहीं थी। अब कॉलम आ चुकी है। आपका कॉलम आ गया। हाँ पता नहीं अब बीपीएससी में क्या कॉलम आएगा और इसमें क्या कॉलम है मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो अब पता नहीं, अगर नहीं होगा तो मुझे फीमेल में भरना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच। और मेरी फेसबुक पेज है सैंडी वाल्मीकि, आप लोग प्लीज सब जगह फॉलो करना, सपोर्ट करना। वहाँ पर सिर्फ मेरा रील्स ही मिलेगा आपको, क्योंकि जब मैं बोरिंग फील करती हूँ तब मैं रील्स बनाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं बात नहीं करती फोन पे इतना, तो मैं रील्स ही बनाती हूँ अपना। और इंस्टा आई डी है वाल्मीकि का 607। और यूट्यूब का लिंक भी मेरा फेसबुक पेज पे दिया हुआ है। और मैं और एक शिकायत भी मेरा है और बहुत अच्छा भी मुझे लगता है कि मुझे इतना हाईलाइट पे रखा गया है, ट्रेंडिंग पे चला मेरा वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं एक मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी मीडिया भाई लोग हैं, प्लीज आप लोग कीप सपोर्ट करिए मुझे भी, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मुझे भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से आप लोग बेनिफिट्स ले मतलब उठा रहे हो, मुझे नहीं मिल रहा है। प्लीज जितना भी हो तो मुझे प्लीज सपोर्ट। मैं इनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। देखिए इनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, ठीक ना। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल का नाम बताई है वो लिंक दे दूंगा, आप लोग जाइए और इनको सपोर्ट कीजिए। देखिए जो अच्छा कर रहे हैं और समाज में अच्छी संदेश दे रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, जितना जितना हो सके सपोर्ट करें। बाकी बात इसकी बातों को आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जोश तक न्यूज़ के लिए जय हिंद।